हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ 20 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो हम आपको ये क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं, ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, लगभग 6 साल हो गए हम आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी हैं बाहर में या जो आते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, या फ्रेंड बताते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली सबका हम एक चार्ट बना करके देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी क्वेश्चंस को पूछा गया, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को लिखे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस चीज को ले लें जो आप देख रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन से, सर तो आप कहीं से भी आप रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्लाइंट के पास जाना कैसे है और क्लाइंट हमें किस तरह से क्वेश्चंस करेगा, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। और हमारा एयर कंडीशनिंग का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप किस ट्रेड किस फील्ड से आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। जैसे कि अभी एसी का अलग इंटरव्यू होता है, एचवीएसी का अलग होता है, चीलर टेक्नीशियन का अलग होता है। ये एसी एंड एचवीएसी एंड चीलर, ये तीनों हमारा अलग अलग पार्ट है। तो अगर आप एसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको चीलर का नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। एचवीएसी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एचवीएसी एंड चीलर का आप नॉलेज रख सकते हैं। चीलर एक तरह से देखा जाए तो एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। चीलर जो है उसके अलग टेक्नीशियन रहते हैं, वो उसके अंदर जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जो भी उसका वर्क करना है, चीलर का एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। लेकिन वो भी आता है हमारा एचवीएसी के अंतर्गत में ही आता है, एचवीएसी के अंडर ही वो आता है। बिकॉज एचवीएसी, सबसे पहले हम जानेंगे एचवीएसी एंड एसी का डिफरेंस के बारे में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है और चीलर में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो एचवीएसी जो है, एचवीएसी इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। ये एचवीएसी एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें वातावरण के टेम्परेचर को हम लोग डाउन करते हैं और या उसके वातावरण के टेम्परेचर से हम उसको हाई करते हैं। इसमें दो प्रोसेस, दो तरह से काम होता है। और इसमें आरएसओ कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया कंट्रोल करते हैं, बहुत सारा कुछ है जो एचवीएसी में हम लोग उस चीज को अप्लाइड करते हैं। लेकिन एयर कंडीशन सिस्टम में वो चीज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक्सप्लेन द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, उसको एक ड्राइंग के जरिए बना देना है। इसके ऊपर एक मेरा पूरा वीडियो है 5-10 मिनट का, तो आप उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें इस चीज को। थर्ड वन है हमारा, व्हाट इज टर्न, टर्न क्या है। तो टर्न ये हमारा एक रेफ्रिजरेशन को मेजरमेंट, इसको हम लोग जो है टर्न जो है एयर कंडीशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन को मेजर करने के लिए टन का उपयोग करते हैं। कितना टन का रेफ्रिजरेशन, 1 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, तो उसका कूलिंग कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, ना कि उसका वेट को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अभी फोर्थ हम लोग जानेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब अपना कंप्रेसर का क्या फंक्शन है एयर कंडीशन में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे देखिए, कंप्रेसर का जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन लिखा तो ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा, कंप्रेसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है आप कंप्रेसर का जो भी है फुल जानकारी लें, और अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है कंप्रेसर के बारे में बहुत अच्छा से आप पढ़ लें, ठीक है। अभी जैसे इसके ऊपर 5-10 मिनट का वीडियो है, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम बताइए, ठीक है ना, आपने यहाँ फंक्शन के बारे में पढ़ा, वहां कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम पूछ रहा है, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो क्लाइंट ऐसा नहीं है कि आपसे हमेशा इजी क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी डिफरेंस क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप पूरा कंप्रेसर याद करें। तो फंक्शन हम इसका जान लेते हैं कि इसका बेसिकली 3 फंक्शन होता है। लो प्रेशर, लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है इवेपोरेटर से, उसको सक करता है और उसके बाद अपना कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करता है। सक करना, कंप्रेस करना, डिस्चार्ज करना, ये हमारा मुख्य काम है। इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट, मतलब दिल भी कहा जाता है कंप्रेसर को, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। 5 नंबर हमारा क्या है, वर्क डन बाय कंडेंसर, कंडेंसर का क्या काम है, ठीक है। तो कंडेंसर का हमारा काम है
कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपरहिट वेपर जो रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है ना, कंडेंसर में आने के बाद अपना कंडेंसिंग मीडियम एयर या वाटर को, वाटर के जरिए हीट को रिमूव करता है। जैसे अगर एयर कूल्ड अगर हमारा कंडेंसर लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, एयर कूल्ड चिलर में क्या होता है कि एयर के जरिए हमारा रेफ्रिजरेंट वहां पे कंडेंस करा जाता है, फैन ब्लेड लगाए रहते हैं उससे कंडेंस होता है। अगर एनी सिस्टम वाटर कूल्ड का है तो वाटर को कंडेंसर के अंदर इन करा जाता है, जो रेफ्रिजरेंट के कॉन्टेक्ट में ला करके हीट को रिमूव किया जाता है और वो वापिस जो है कंडेंसर वाटर का पानी कूलिंग टावर में जाता है और फिर वहां से ठंडा होकर के कूलिंग टावर में आता है। तो ये प्रोसीजर हमारा चलते रहता है। तो इस तरह से कंडेंसर काम कर सकता है। क्वेश्चंस और भी इसके डिफरेंस टाइप से पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंडेंसर भी पूछे जा सकते हैं और कंडेंसर में क्या स्टेटस होता है वो भी पूछा जा सकता है। इसलिए कंडेंसर का भी आप फुल वीडियो वॉच करें, लिंक दिया रहेगा या मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। हाउ टू वर्क एएचयू, ठीक है, एएचयू क्या काम है और कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एएचयू का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। ये हमारा एक एचवीएसी इक्विपमेंट है। एचयू हमारा चिलर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एचयू में सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट जो लगाए रहते हैं उसके अंदर कूलिंग वाल्व, फिल्टर, ब्लोअर सब यूज किए हुए रहते हैं और जो हमारा रूम जो टेम्परेचर रूम से जो आ रहा है एयर उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है कूलिंग वाल्व के जरिए, उसको पास कराते हैं और वहां पे ठंडा करके उसको फ्रेश हाउस में फ्रेश एयर को भी ऐड किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जहां पर एयर का सप्लाई हो रहा है वहां पे रूम क्लोज रहता है, अगर रूम ओपन रहेगा तो रूम का टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, इसलिए वहां पे रूम को फुल क्लोज रखा जाता है। तो उस बीच में अब आदमी लोग बैठे हुए हैं तो किसी तरह से वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एयर में किसी तरह का आपका ये नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, एयर फ्रेश एयर नहीं रह जाता है, इसलिए वहां पे कुछ ऐड करने के लिए फ्रेश एयर को एएचयू में ऐड किया जाता है और फिर जितना क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है वो सब सेट पॉइंट। तो एएचयू का जो प्रोसेस है, तो एएचयू का प्रोसेस क्या है कि रिटर्न एयर जो आता है उसको कूलिंग करके और ये वापिस जो है सप्लाई एयर डक्ट के जरिए जहां पे सर्विस एरिया है वहां पे इसको सप्लाई किया जाता है एयर को। ये हो गया हमारा एएचयू का फंक्शन। कॉमन डिफेक्ट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर में कॉमन डिफेक्ट क्या आ सकता है ये भी पूछ सकता है आपसे क्लाइंट, ठीक है। आप बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो रिज्यूम रहता है ना, रिज्यूम से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे लिए जाते हैं। 70% तो आपका रिज्यूम से सिलेक्ट हो जाता है। हम कुछ आपको बात बताना चाहते हैं, क्वेश्चंस तो हैं ही, आप देख लेंगे। सबसे पहले अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप जो रिज्यूम उन लोगों के पास देंगे तो रिज्यूम में पूरा क्लियरेंस होना चाहिए। फर्स्ट पेज में ही जो आपका है ना फुल डिटेल्स उसमें आना चाहिए। आप किस चीज के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड फॉर एचवीएसी टेक्नीशियन, ठीक है, नाम अपना लिख लिए और उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है और आपने इंडिया में कितना साल काम किया वो लिख दिए या गल्फ में, इंडिया प्लस में गल्फ चाहे आउट ऑफ कंट्री जिधर भी काम किया वो आपको मेंशन करना है। 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, सीधा सीधे अगर मान लो 4 साल आपने इंडिया में काम किया तो 2 साल वोल्टास का लिख दिए, 2 साल ब्लू स्टार, मतलब एक एग्जाम्पल है, जिधर भी आप काम किया उस कंपनी का नाम आपने मेंशन कर दिया, कब से कब काम किया उसमें लिखा रहता है, पासपोर्ट का डिटेल्स और बाकी जो वर्किंग जो भी है आप सेकंड पेज में डालें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा फर्स्ट पेज में जो नहीं लिखना चाहिए वो आपने एक्स्ट्रा लिख दिया और वो क्लाइंट पढ़ते पढ़ते जो है ना उसको ज्यादा टाइम उसके पास नहीं रहता है। ऐसा आप बनाएं रिज्यूम की जो है क्लाइंट को देख करके ही आपको सिलेक्ट कर लें। सेकंड पेज में आपने डिस्क्रिप्शन में जो भी वर्क किया, जैसे कि आप एएचयू में काम किया, एएचयू में क्या काम किया, ऐसा नहीं ना कि खाली एएचयू का फिल्टर धोके आया, तो उसमें वो लिखना होगा कि हाँ एएचयू में हमने बैरिंग चेंज किया, मोटर चेंज किया या कूलिंग कॉइल चेंज किया, एक्चुएटर जो भी लाइन है कूलिंग कॉइल का वो सब हमने वर्क किया, वो सब भी आपको मेंशन उसमें करना है। फिर चिलर में आपने क्या क्या या कंप्रेसर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, आपने एसी इंस्टॉल किया नहीं किया, वो पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना रहता है। तो वो आप पढ़ लेगा क्लाइंट तो उसको मालूम हो जाएगा ये काम किया, उसमें से आप सब पूछ देगा कि अच्छा आपने कितना कंप्रेसर चेंज किया, तो आपको बताना है कितना कंप्रेसर हमने चेंज किया। ये जो भी बात इस तरह से होता है पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम आप लोगों को बताएं, पहले भी या दोस्त लोग से भी हमने पूछा तो इस तरह से ही ये होता है। ये हो गया, अब हम लोग जानेंगे वर्क डन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप। ये एक्चुअल में चिलर का पार्ट आ जाता है, प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। ये प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का क्या काम है, तो प्राइमरी पंप जो है ये हमारा चिलर में सप्लाई करता है वाटर को, एएचयू से जो पानी आ रहा है
एचयू से जो पानी आ रहा है रिटर्न पानी, वो हमारा प्राइमरी पंप सक करता है, उसको प्राइमरी पंप जो है उसको थ्रो करता है चिलर में, और चिलर से जो सप्लाई निकलता है, चिलर से सप्लाई आउट होने के बाद आता है सेकेंडरी पंप में, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रहता है, कहीं कहीं ओनली प्राइमरी पंप आपको देखने को मिलेगा, एक ही पंप से पूरा सर्कुलेट होता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा दूरी है तो वहां पे सेकेंडरी पंप का इस्तेमाल होता है, और सेकेंडरी पंप जो है चीलर से पानी निकलता है सेकेंडरी पंप में आता है, और सेकेंडरी पंप जो है उसको अपने मोटर अपना पंप के जरिए जो है उसको भेजता है एचयू में, ठीक है, एचयू या एफयू जहां पे जो भी लगा हुआ है वहां पे भेजता है, फिर वहां से रिटर्न होकर के फिर वापिस आता है प्राइमरी में, प्राइमरी हमारा चीलर को सेंड करता है। तो ये प्रोसीजर हमारा काम है सेकेंडरी पंप का, प्राइमरी पंप का, ये हमारा काम करता है। नाइन नंबर हम लोग जानेंगे, व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस का क्या काम है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन डिवाइस हमारा लगा कहाँ रहता है, इवेपोरेटर और क्या कंडेंसर के बीच में लगा रहता है, ठीक है। तो हमारा जो कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट जो वेपर से लिक्विड में बदल जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होने के बाद आता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस का काम है कि वो प्रेशर को ड्रॉप कर देता है, जिसके जरिए हमारा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, तो सैचुरेशन कंडीशन में हो जाता है एक्सपेंशन डिवाइस के बाद। तो बेसिकली इसका काम है प्रेशर को ड्रॉप कराना, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है हमारा एवोपरेटर में उतना ही प्रेशर को ये सेंड करता है, उतना ही रेफ्रिजरेंट को आगे वो एवोपरेटर को देता है, फिटिंग कराता है। इस पे भी वीडियो है, सब पे वीडियो है, तो आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी RH एट सेचुरेशन पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सेचुरेशन पॉइंट कितना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो एयर में जो अपना एयर में जो नमी के जो मात्रा होता है ना उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, और इसका सेचुरेशन पॉइंट है 100%। 100% अगर मान लीजिए RH हो जाता है तो क्या होता है वहां पे ड्यू पॉइंट बन जाता है, पानी जो है गिरने लगता है, बारिश कब होती है जब हमारा 100% RH हो जाता है तब। तो सेचुरेशन पॉइंट इसका 100 है, और ये बाकी जो देख रहे हैं ये हम सेकंड पार्ट में हम आप लोगों को बताते हैं डिफरेंस बिटवीन VAB एंड VCB, डिफरेंस बिटवीन HU एंड FCU, व्हाट इज CFM। मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो है HVAC से रिलेटेड है। AC का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो चिलर के नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, AC और HVAC का आपको नॉलेज है तो आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, बस वही चीज है। AC एक सेपरेट हो गया, HVAC और चिलर डिपार्टमेंट एक सेपरेट पार्ट हो गया। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज को देख लें।